जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरा नाम है अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, हम बात करेंगे आज एक रिलेशन की भर्ती के बारे में और ये भर्ती होएगी राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है उनके द्वारा। यहाँ पर जो भर्ती है वो रिलेशन के बच्चों की है, स्पोर्ट्समैन की है, GD की, ट्रेडमैन की है। इस प्रकार से ये इन ट्रेडों में यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो साथियों, ये जो प्रोग्राम है ये 3 अगस्त 2022 को लेटर जारी कर बताया गया कि ये सभी जो भर्तियां हैं ये अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवर रिक्रूटमेंट हो रही है, यानी अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली ही ये यूनिट हेडक्वार्टर UHQ इनरोलमेंट हैं और ये जो भर्ती है 13 सितंबर से 19 सितंबर 2022 के बीच होएगी। तो यहाँ पे जो भी रिलेशन के बच्चे हैं वो यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। स्पोर्ट्समैन है वो ओपन कैटेगरी है, ऑल इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन हैं यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं पूरे भारत के राज्यों से। उसके अलावा जो राजपूत रेजिमेंट सेंटर में किस किस जाति के लोग, किस किस धर्म के लोग जा सकते हैं उसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर पुराना वीडियो बना रखा है किसमें कौन कौन जा सकता है, तो वो ज़रूर देख ले रिलेशन के बच्चे यहाँ पर भर्ती देखने से पहले। अच्छा साथियों, इसमें बता रखा है कि जिसको जो भी ऑथराइज है वो ये अलग अलग अपेंडिक्स हैं ABCDGF, तो इन सब में बता रखा है कि कौन कौन यहाँ पर जा सकता है। तो इसमें बताया गया कि वन सन हो, वार विडो का हो या विडो का हो, वन सन सर्विसमैन का हो, एक्स सर्विसमैन का, वन रियल ब्रदर सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर भर्ती देख सकता है। जो स्पोर्ट्स कोटा है वो ओपन है, ठीक है साथियों, और ट्रेडमैन भी ओपन है किसी भी सेंटर का रिलेशन हो, लेकिन वैकेंसीज बहुत कम हैं, आगे मैं बताऊंगा हमारे वीडियो में। तो जो भी भाई यहाँ पर भर्ती देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है कि जितने भी सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन हैं सभी बच्चों को मोटिवेट करो इस अग्निवीर रैली के लिए और इनको भर्ती के लिए बताओ क्या फ़ायदे क्या बेनिफिट हैं, इसके लिए बताया गया ये लेटर जारी करके और सभी को सूचित किया गया कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को भेजो भर्ती देखने के लिए। तो जो भी भाई जिसको भी जो छूट लागू है वो सभी बता रखी है इस लेटर में। आप इस पूरे PDF को हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आपको समझ में ना आए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हम इस प्रकार की रिलेशन के और भी ऑल इंडिया के जो किसी प्रकार की गेम की भर्ती या और भी रिलेशन के बच्चों की भर्ती के वीडियो डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो जो भी रैली में जा रहे हैं वो ये ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पर जो कौन कौन सी कास्ट के लोग भर्ती देख सकते हैं, इसके लिए हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देख लें जो भी राजपूत सेंटर में जा रहे हैं। तो राजपूत सेंटर के अंदर यहाँ पर 0400 आवर्स पर रिपोर्ट करनी है सुबह सुबह अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। जो लड़के यहाँ पर जा रहे हैं, फतेहगढ़ में है ये राजपूत रेजिमेंट सेंटर उत्तर प्रदेश में, और ये यहाँ पर जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में रिपोर्ट करनी है, ठीक है साथियों। जितने भी भाई हमारे यहाँ पर जा रहे हैं वो ज़रूर देख लें इस वीडियो को, मैं इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा क्या लेकर जाना आपको। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा 2 सेट ज़रूर अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स के तैयार कर लें, यहाँ पर सभी की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड करवा लें, ठीक है। मार्कशीट वगैरह हो आपके पास में, ट्रांसफ़र TC सर्टिफिकेट हो, उसके अलावा रिलेशन सर्टिफिकेट हो जो आपके CRO द्वारा, रिकॉर्ड अफसर होता है उसके द्वारा जारी किया हुआ, COVID-19 के हैं प्रोटोकॉल वगैरह का। और जो भी बच्चे यहाँ पर भर्ती देख रहे हैं वो फर्स्ट सेकंड सन जो भी, उनके लिए भी क्या शर्तें हैं वो सभी यहाँ पर लागू की गई हैं, आप देख सकते हैं। इस पूरी PDF को ध्यान से पढ़ लेना जो भी साथी जा रहे हैं। ये PDF हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर। आगे प्रायोरिटीज के बारे में बताया गया किस किस को कौन सी प्रायोरिटीज मिलती है भर्ती होने के लिए, तो ये ज़रूरी है साथियों आप सभी को। आगे जॉब कट ऑफ के लिए बताया गया है कि क्लर्क के लिए, ट्रेडमैन के लिए और GD के लिए क्या क्या एज कट ऑफ है। अब की बार तो तकरीबन सेम है साथियों सबके लिए, 17.5 से 23 साल, और उसके लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 है राजपूत रेजिमेंट सेंटर के लिए। तो जो भी 22 में आ रहे हैं चाहे वो GD में, ट्रेडमैन में, क्लर्क में, सभी के लिए यही एज कट ऑफ है।
जो वैकेंसियां हैं वो सोल्जर, जनरल, ड्यूटी, ट्रेडमैन, इन सभी के लिए यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के रैली ए रिलेशन के बच्चों की है। तो साथियों, जो भी जा रहे हैं, आप सभी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डाउट हो, फिजिकल स्टैंडर्ड, रीजन, हाइट के बारे में, तो आप पूरी पीडीएफ को देख लेना। बाकी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए ये आगे मैं वीडियो में बता दूँगा आपको, तो अपने डॉक्यूमेंट सभी तैयार कर लें। जो भी साथी जा रहे हैं अपने पूरी तैयारी के साथ जाएं, गेम वाले बच्चे, इसमें सभी बताया गया दलालों से सावधान रहने के लिए। उसके अलावा COVID-19 के प्रोटोकॉल, बॉडी स्टैट्यूट के बारे में, सारी पॉलिसियों के बारे में बताया गया है, सर्टिफिकेटों के मार्क्स कैसे कैसे आपको मिलेंगे, तो इन सभी के बारे में पूरा डिटेल प्रोग्राम है इसमें। और जो स्पेशल अग्निवीर की स्कीम, जो अग्निवीर स्कीम है, इसके पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या आपको प्रोटीज मिलेंगी रिटायरमेंट के बाद और सर्विस के दौरान, ये पूरा पढ़ लेना पहले साथियों। इसमें आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा परमानेंट, ठीक है, और जो भी है लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या मिलेगा, ये सभी अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेंगे, क्लास प्लस टू सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आपको इस पीडीएफ में उपलब्ध है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी अब हम आपको डिटेल प्रोग्राम बताते हैं साथियों इसके बारे में, भर्ती कैसे होगी, किस दिन किसकी है। तो साथियों, अब बात करते हैं जो कि राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है, और यहाँ पर जो भर्ती होने जा रही है वो 13 सितंबर से 19 सितंबर 2022 के बीच। तो अब उसके डिटेल प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। तो ये जो प्रोग्राम है 13 सितंबर 2022 को, यहाँ पर बताया गया है कि उस दिन सबसे पहले जो है 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश स्टेट की है ओनली, सिर्फ जो उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेशन के बच्चे, ओनली रिलेशन के बच्चे जो जीडी में भर्ती देखेंगे, सोल्जर, जनरल, अग्निवीर जो है जीडी उसके अंदर, उसके लिए योग्यता आपको पता ही है कि 10वीं पास होना चाहिए, 45% मार्क होने चाहिए। उसके लिए जो एज कट ऑफ है वो 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच उसकी जन्म तिथि होनी चाहिए, और एज बिटवीन 17.5 से 23 साल के लिए रखी गई है उम्र, और ये रिलेशन के बच्चों की भर्ती है यहाँ पर। तो जो भी उत्तर प्रदेश के रिलेशन के बच्चे हैं जो राजपूत रेजिमेंट सेंटर में जा सकते हैं, उसके लिए कुछ क्लास कंपोजिशन है, वो आप हमारा जो ऊपर आइकॉन बटन है उस पर क्लिक करके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन सी जाति के लोग, रिलेशन के बच्चे यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर 13 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की भर्ती है। उसके बाद 14 सितंबर 2022 को राजस्थान स्टेट की भर्ती है यहाँ पर, और राजस्थान स्टेट के कौन कौन सी जाति के लोग राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में भर्ती देख सकते हैं, रिलेशन के बच्चों की भर्ती है जीडी की, तो जो भी बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं वो हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देख लें किस किस जाति के लोग यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लास कंपोजिशन के हिसाब से ही आप रिलेशन के बच्चे यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। सभी रिलेशन के बच्चे यहाँ पर ऑथराइज नहीं हैं, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, प्लीज़ पुराना वीडियो ज़रूर देख लेना हमारा, ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। और जीडी के लिए आपको बता ही दिया है कि एज और वो एज कट ऑफ क्या है, ये सभी चीज़ें 15 सितंबर 2022 को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एज पर द क्लास कंपोजिशन राजपूत रेजिमेंट, ये बता रखा है कि जो भी इन स्टेटों के कौन कौन सी जाति के लोग यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं, उन सभी के लिए यहाँ भर्ती है जीडी के लिए, ओनली जीडी के लिए बात कर रहा हूँ साथियों मैं अभी, यानी 13 से 15 इन स्टेटों की भर्ती है जो मैंने बताई अभी तक। जो 16 सितंबर को जो गेम के बच्चे हैं, यहाँ पर जो गेम के बच्चे भर्ती देख रहे हैं, उन बच्चों की यहाँ पर लगभग सभी गेमों की ट्रायल चलती है, तो यहाँ पर 0400 आवर्स यानी सुबह सुबह 4 बजे यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पे भर्ती होएगी।
ठीक है राजपूत रेजिमेंट सेंटर में। तो गेम के बच्चे जो भी जा रहे हैं भाई, और गेम के बच्चे और जनरल ड्यूटी के जो भी जीडी के बच्चे हैं उनकी एज जो कट ऑफ सेम है, 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005, 17.5 से 23 साल उम्र, ठीक है। और सारी शर्तें सेम हैं, सिर्फ इनके लिए गेम का जो सर्टिफिकेट है वो बताया गया है कि ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का हो और जो भी हो 2 साल से पुराना और नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड है। तो जिन बच्चों के पास भी सर्टिफिकेट है गेम के तो यहाँ पर जाकर ट्रायल दे सकते हैं। गेम के बच्चों की ट्रायल 16 सितंबर को होंगी, ठीक है साथियों, 16 और 17 को दोनों ही दिन स्पोर्ट्समैन के बच्चों की भर्ती है यहाँ पर। तो जो भी भाई जा रहे हैं उनके पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद जो भी खेल वाइज उनके ग्रुप बना दिए जाएंगे और ट्रायल ली जाएंगी। इसके लिए आपको पता ही दिया 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं हो, और सर्टिफिकेट यूथ एंड अफेयर्स का और किसी भी जो थ्राइज फेडरेशन होती हैं स्पोर्ट्स की सरकारी उनका हो तो यहाँ पर जा सकते हैं वो बच्चे गेम वाले। 18 सितंबर 2022 को ऑल इंडिया ऑल कास्ट और ये है ट्रेडमैन की भर्ती, लेकिन वैकेंसी बहुत ही कम है यहाँ पर, इसमें बता भी रखी है वैकेंसी। इसमें बताया गया कि 10वीं पास जो भी लड़के हैं और जिनके पास 33% मार्क हैं वो यहाँ पर ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हैं। इसके लिए जो भी ट्रेडमैन हैं वो 10वीं पास, उनके लिए सैप 2 और ड्रेसर 1 और वाशरमैन 1, यानी बिल्कुल ही कम वैकेंसियाँ हैं। तो अदर सेंटर का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है साथियों। 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 एज कट ऑफ है, और जो 17.5 से 23 साल उम्र, और ये रिलेशन के बच्चों की भर्ती है, ठीक है। उसके लिए 1 सन और 1 ब्रदर का जिसके पास भी रिलेशन सर्टिफिकेट है वो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है ट्रेडमैन की। उसके अलावा 19 सितंबर 2022 को यहाँ पर ट्रेडमैन का जो टेस्ट है वो भी लिया जाएगा। जो ट्रेडमैन के लिए भर्तियाँ देख रहे हैं तो उनके लिए वो टेस्ट लिया जाएगा उनका भी यहाँ पर, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से ये भर्ती चलेगी। उसके बाद 20 सितंबर को यहाँ पर मेडिकल शुरू हो जाएगा, जो भी लड़के रनिंग में ट्रायल में फिट हो जाएंगे वो सभी का यहाँ से 20 सितंबर से मेडिकल शुरू हो जाएगा आगे तक। और यहाँ पर जो इशू ऑफ एडमिट कार्ड हैं और वो सभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में उनको जो भी फिट होते जाएंगे उनको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, और नवंबर के महीने में यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होएगा, यहाँ पर जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है रिटर्न टेस्ट वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से भर्ती आपकी सितंबर से शुरू होकर नवंबर तक फिनिश हो जाएगी जो भी बच्चे फिट होंगे उनके लिए, ठीक है। और मेडिकल के लिए जिन बच्चों के पॉइंट बनेंगे उनको कहीं भी भेजा जा सकता है, लखनऊ, बरेली, ठीक है दिल्ली, तो इस प्रकार से ये कहीं भी जा सकते हैं पॉइंट तुड़वाने के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं ये भी बता रखा साथियों, जो ध्यान दें। तो जो डॉक्यूमेंट ले जाने वाले हैं वो रिलेशन सर्टिफिकेट हो, वो रिकॉर्ड द्वारा अफसर द्वारा हो, रिकॉर्ड अफसर जो जारी करता है रिलेशन सर्टिफिकेट रिलेशन के बच्चों के लिए वो हो, उसमें वाटर मार्क्स होता है रिकॉर्ड का तो वो वाला सर्टिफिकेट हो। उसके अलावा 10वीं 12वीं की जिसके पास भी जो मार्कशीट है, यानी 10वीं है तो 10वीं 12वीं है तो 12वीं, जिसके बच्चे के पास भी है यहाँ पर वो देख सकता है यहाँ पर भर्ती। उसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, नेटिविटी सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल अनमैरिड सर्टिफिकेट हो, 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, आधार कार्ड पैन कार्ड हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो। उसके अलावा इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट लेवल के यहाँ पर जो भी ऑथराइज स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो प्रमाणित सर्टिफिकेट हैं वो ही चलेंगे, यानी स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो एनसीसी होल्डर हैं जिनके पास भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, कई अपीयरेंस होते हैं तो जिन्होंने टेस्ट दे रखा होता है रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लिए जो भी प्रोविजनल होता है उसके लिए उन्होंने एक लेटर साइन करवाना है, जो एनसीसी का जो बटालियन है उनके जो ओसी होते हैं ऑफिसर कमांडिंग उनसे साइन करवा कर लेकर जाएँ, ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए,
तो इस प्रकार से वही मान्य होएगा आपका। उसके अलावा जो COVID-19 के प्रोटोकॉल है वो भी आपको जो है बिल्कुल फॉलो करने हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे फेस मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इस प्रकार से ये सभी यहाँ पर हिदायतें बताई गई हैं। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप बताया गया कि नकली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना करें भर्ती के दौरान, कोई मार्कशीट है, खेल का सर्टिफिकेट है या कोई NCC का और किसी का, तो कोई भी नकली सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं देना, आपको जेल हो सकती है। तो जो भी ऑथराइज सर्टिफिकेट है वही प्रोवाइड करें, झूठी जानकारी ना दें। इस प्रकार से रिलेशन के बच्चों की यहाँ पर भर्ती है, ये आपको बता दिया, भर्ती स्पोर्ट्समैन के बच्चों की है, GD की है, ट्रेडमैन की है, और कलर्क की जो भर्ती होती है वो खुद के सेंटर के बच्चों के लिए होती है, तो वहाँ पर भर्ती हो जाती है। ठीक है साथियों, जो भी भाई हैं यहाँ पर जा रहे हैं भर्ती में, उन सब के लिए सुनहरा मौका है, और ये भर्ती 13 सितंबर से 19 सितंबर 2022 के बीच होने वाली है। ये जो सेंटर है राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में, और फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में है। जय हिंद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।